हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका सो गाइस इस वीडियो में हम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की वीडियो को टॉपिक को कवर करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट नाइनटीन ये इसकी डेफिनेशन है तो इस एक्ट के अंदर क्या समझाया गया है क्या कंडीशंस होती हैं क्या रेगुलेशन्स होते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं तो सेक्शन ट्वेंटी एफ़ जो इस एक्ट का है उसमें ये उसके वर्कमैन की उसके जर्नलिस्ट के रिट्रेंचमेंट की बात की गई है कि एक जर्नलिस्ट को अगर आप रिट्रेंच कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी संस्थान से निकालना उसकी छटनी करना अगर आप किसी जर्नलिस्ट की छटनी कर रहे हैं अपने संस्थान से किसी भी वर्कमैन की तो उसमें आपको उसको नोटिस पीरियड पे बताना होगा उसे नोटिस देना होगा वो भी उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग लाइक like, अगर आप एक एडिटर को जो है छटनी का रिटेंटमेंट रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं तो उसको आपको छः महीने पहले नोटिस देना होगा उसे तो इन्फॉर्म करना होगा कि आप उसे संस्थान से निकाल रहे हैं उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे वर्किंग जर्नलिस्ट या वर्कमैन को निकाल रहे हैं तो उसको आपको तीन महीने पहले बताना होगा तीन महीने पहले आपको उसको नोटिस देना होगा कि आप उसका रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विस विदाउट नोटिस इन केस अगर आप उसे नोटिस नहीं देते हैं आप उसे बिना नोटिस के ही निकाल देते हैं तो उसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है ये कोर्ट में भी जा सकता है मतलब उसके पास इतने राइट्स होंगे कि वो आपके खिलाफ एक्शन लेकर आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है क्योंकि आप एक तरीके से सेक्शन का उल्लंघन करेंगे स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन केसेस ऑफ रिट्रेंचमेंट मीन्स कुछ केसेस में जब आप किसी की छटनी करते हैं तो उसमें आपको उसका अगर उसने आपको वन मंथ का नोटिस आपने उसे दिया है तो उसमें आपको एक महीने की उसको सैलरी सा, देनी होगी कंपनसेशन के तौर पे उसके अलावा आपको फिफ्टीन डेज़ का एवरेज पे भी करना होगा अगर आप किसी का रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं ये इस आ, एक्ट के अंदर कहा गया है आर्स ऑफ वर्क की बात करें तो एक जर्नलिस्ट जो है एक महीने में मींस फोर कॉन्जिक्यूटिव वीक्स एक महीने में चार हफ्ते होते हैं चार हफ्ते वन फोर्टी फ़ोर आवर्स के पीरियड ही वर्क कर सकता है जिसमें उसकी मील्स का टाइम भी इंक्लूडेड होगा मींस वन फोर्टी फ़ोर आवर्स एक महीने में वर्क करने का जो है पूरा टाइम पीरियड होता है और सात दिन में अगर एक वीक में सेवन कॉन्जिक्यूटिव डेज में एक दिन का चौबीस घंटे का रेस्ट भी लेना मैंडेटरी है जिसमें मीन्स वो कोई भी दिन का वीक ऑफ हो सकता है वो सेवन डेज में किसी भी दिन का चौबीस घंटे का चौबीस कॉन्जिक्यूटिव आवर्स का टाइम ब्रेक रेस्ट होना चाहिए और जो मैक्सिमम आवर ऑफ वर्क की कॉन्जिक्यूटिव वीक्स की है दैट इज़ वन फोर्टी फोर आवर्स की वन फोर्टी फोर आवर्स का पीरियड होना चाहिए फॉर फोर कॉन्जिक्यूटिव वीक्स फिर कंपनसेशन फॉर Overtime work. When a working journalist works for more than six hours or on any day in the case of day shift and more than five and a half hours in the case of night shift, he shall, in respect to that overtime work, be compensated in the form of hours of rest equal in number to the hours which he has worked overtime. मीन्स अगर कोई जर्नलिस्ट आपका छः घंटे दिन में काम छः घंटे से ज़्यादा किसी दिन में काम कर रहा है या फिर वो साढ़े पाँच घंटे से ज्यादा नाइट की शिफ्ट में वर्क कर रहा है तो उसमें आपको ओवर टाइम वर्क उसको देना पड़ेगा उसको कंपनसेशन के फॉर्म में उसके आपको पे करना पड़ेगा उसका ओवर टाइम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन डिमांड्स टू अमेंड द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट टू मेक द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस अवार्डस अकॉगनीजबल ऑफेंस टू इंश्योर डेट नो न्यूज़पेपर मैनेजमेंट गेट्स अवे इन टू नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट मीन्स एक अमेंडमेंट किया जाना चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ पेपर मैनेजमेंट इसको नहीं मानता है नहीं इम्प्लीमेंट करता है तो ये एक तरीके का ऑफेंस होगा अमेंडमेंट टू इंक्रीज द एज ऑफ सुपरनेटीन फ्रॉम फिफ्टी एट टू सिक्सटी ईयर्स मीन्स अमेंडमेंट करना चाहिए रिट्रेंचमेंट का निकालने की एज का दैट इज़ फिफ्टी एट टू से सिक्सटी ईयर्स का करना चाहिए टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ ग्रेटुटी इन वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ ग्रेटुटी आफ्टर फाइव ईयरस सर्विस टू मेक इट मैंटरी फॉर द एम्प्लॉइज टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल मुफिशियल एंड पार्ट टाइम करस्पोंडेंट मीन्स अगर कोई पार्ट टाइम करस्पोंडेंट है अगर वो भी वर्क कर रहा है किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर है तो उसे भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है दिया जाए ये क्या है इंडियन जर्नलिस्ट की यूनियन से डिमांड है इस एक्ट में जो वो चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए थैंक यू सो मच